हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में शिवकुर को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपने बचपन की बुक देख रही होती है, और फिर हम पास्ट के सीन में चले जाते हैं। यहाँ पर शिवम को बता रहा होता है कि इस दिन पहली बार शिवकुरु का दांत टूटा था। अगले सीन शिवकुरु ने पहली बार साइकिल चलाई थी। शिवम अगले सीन का जिक्र करता है और यहाँ पर हम शिवकुरु को देखते हैं जो हेल्प के सेमल को बना रही होती है और कहती हूँ जो अभी जाना होगा। इसको पास ही शिवम को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इसने पहली बार घर को छोड़ा था। अगले सीन स्कूल के सीन में भी देखते हैं जहाँ शिवकुरु एक लड़के को लव लेटर देती है और बताती है कि मैं कैसे फील करती हूँ, लेकिन लड़का यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरे लिए कुछ भी फील मत करो। पास में शिवम होता है जो इनको देख रहा होता है और यहाँ पर उनको बताता है कि पहली बार शिवगुरु ने किसी को डेट के लिए पूछा था। अगले सीन प्रेजेंट में शिवम को देखते हैं जो शिवगुरु के वेडिंग इनविटेशन कार्ड को देख रहा होता है और यहाँ पर हमको बता रहा होता है कि मैं शिवगुरु के साथ काफी सालों से रहा हूँ, मैं उसे लंबे टाइम से जानता हूँ और मुझे लग रहा था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगले सीन शिवगुरु को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, इसको इसकी माँ बोल रही होती है। बाद में शिवगुरु अपनी माँ के पास आती है। मीशो की अपनी ये कहती है कि मैंने कुछ खाना बना है, तुम शिवम यहाँ पर डिलीवर कर दो। शिवगुरु बाद में पहले खाने को चखती है और फिर यहाँ पर ये कहती है कि आपने क्या डाला है, बाद में इसमें बता देती है और खाने को डिलीवर करने के लिए कहती है। अगले इसमें शिवगुरु घर में देखते हैं, यहाँ पर आयशुक होती है, साथ में यहाँ पर क्यूंजुंग होता है। क्यूंजुंग यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, क्या तुम करना चाहोगी, लेकिन ये मना कर देती है। तभी बार कोई बैल बजा रहा होता है और यहाँ पर शिवगुरु होती है। इसके बाद शिवगुरु अंदर आ जाती है। आयशुक भी कहती है तुम क्या करने के लिए आई हो। शिवगुरु कह देती है कि मेरी माँ ने खाना बनाया था और आपको देने के लिए कहा था। बाद में सब खाने को देखते हैं। शिवगुरु भी अब ये कहती है कि शिवम कहाँ पर है। आयशु कहती है कि वो अपने रूम में है। ये कहती है कि ठीक है मैं मिलकर आती हूँ, बाद में चली गई थी। क्यूंजुंग भी आयशुक से कह रहा होता है कि क्या तुम खाना खाना चाहोगी, खाने में अब ये चीज़ें हैं, आयशु की फेवरेट चीज़ होती है, लेकिन ये पहले मना कर चुकी थी कि मुझे नहीं खाना है, इसलिए खाना नहीं खाती, हालांकि इसका जी तो कर रहा होता है। अगले इसमें शिवगुरु को देखते हैं जो शिवम रूम में आती है और यहाँ पर ये कहती है कि यह रूम तो बहुत ही अलग है, क्या मैं टाइम मशीन में आ गई हूँ। तभी अपने आप से कहती है कि मुझे टाइम कैप्सूल खोजना चाहिए। बाद में दराज में देखती है और इसे मिल भी जाता है। पास में शिवम भी शावर ले रहा होता है। वही शिवकुरु लेटर पढ़ रही होती है जहाँ शिवम ने कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब मैं उसको बता दूंगा मैं कैसा फील करता हूँ। बाद में शिवम बाहर आता है और शिवकुरु को देख लेता है और फिर लेटर को देखता है और आकर लेटर को ले लेता है। लेटर पट गया था। शिवकुरु कहती मुझे माफ कर देना, तुमने मेरा लेटर पट लिया था और मैं तुम्हारा नहीं पढ़ पाई, इसलिए मैं इसको देख रही थी। शिवम भी लेटर को डस्टबिन में डाल देता है और फिर अपने से कह रहा होता है कि तुमने पढ़ तो लिया होगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा मजाक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना चाहता था इसलिए मैंने लिखा था। शिवगुरु भी कहती है ठीक है मैं तो पहले चौंक ही गई थी, अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि एक मजाक है। शिवम बाद में कह रहा होता है कि मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ तुम चली जाओ, बाद में चली जाती है। शिवम के पास भी तई का कॉल आ रहा होता है। अगले इसमें शिवगुरु को देखते हैं जो कि बाहर जा रही होती है और अपने आप से कहती है कि लेटर में क्या था, क्या वो सच में मुझे लाइक किया करता था या फिर सच में कोई मजाक था, लेकिन 10 साल का मजाक कौन करेगा। तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि मेरे पिता की शॉप बंद होती है। बाद में शॉप में आती है और पासपोर्ट पर लगाती है और अंदर आ जाती है और अपने पास्ट की शिकायत करती है कि कैसे मैंने पहली बार खाना बनाया था और मेरे पिता ने खाया था और खाना बहुत ही अच्छा था, फिर शिव भी अपर आ गया था और पहले बहुत ही चिंतित होता है और कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई चोर आ गया है, लेकिन अपनी कहती कि नहीं मैंने पासपोर्ट को लगा था। गेमशिव भी यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। शिवगुरु पास्ट की बातें करने लगती है कि पहले आप एक होटल में काम किया करते थे और बाद में आप यहाँ पर आ गए थे, आप जो अब खाना बनाते हैं वो दुनिया में सबसे अच्छा है, वैसे कि मैं आपकी तरह खाना बना सकती हूँ, लेकिन अपनी कहता तुम ऐसा क्यों करोगी, तुम पहले से पढ़ी लिखी हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे हाथ में चाकू हो, इस काम को तुम मुझ पर ही छोड़ दो, वैसे क्या तुम जाने से पहले खाना खाना चाहोगी, ये भी यहाँ पर हाँ बढ़ती है। अगले से डैनो को देखते हैं जो अपनी कंपनी में आता है और एलिवेटर में होता है, साथ में इसके पास यंगिन भी होती है। यंगिन यहाँ पर ये कहती है कि उंडू कैसी है, यहाँ पर ही कहता कि वो ठीक है, अब वो अच्छा फील कर रही है और सुबह किंडरगार्टन चली गई है, वैसे क्या आप एक काम कर सकती हैं, मेरा अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकती हैं क्योंकि मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। यंगिन भी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अगले इसमें शिवगुरु को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपने यूट्यूब चैनल को देख रही होती है, और वो यहाँ पर ये देखते हैं कि जब शायद ये अमेरिका में थी तब खाना सिखाने का काम भी करती थी। शिवगुरु यहाँ पर अपनी वीडियो देखती है। अगले इसमें शिवगुरु को देखते हैं जो कि लेटर को देख रही होती है और बाद में घर पर आ रही होती है, लेकिन तभी अब यह देखती है कि शिवगुरु होता है, पास में मृताई भी होती है जो कि शिवगुरु को नमस्ते कहती है और बाद में शिवगुरु से कहती है कि क्या तुम इसको नमस्ते नहीं कहने वाले, लेकिन अपनी कहता कि नहीं मैं तो इसको हर रोज देखता हूँ। ताई बाद में शिवगुरु से कहती है चलो अंदर चलते हैं और चाय पीते हैं, लेकिन शिवम ने मना कर दिया था और कह रहा होता है कि तुम इसे इन्वाइट क्यों करोगी, हमारे पास पहले से बहुत ज्यादा काम है। बाद में शिवगुरु भी ताई से कह देती है
कि मैं पहले से ही बिजी हूँ, हम बाद में मिलते हैं। बाद में शुक्रु चली गई थी और अपने आप से ये कहती है कि जब मैं इसके साथ काम कर रही थी तभी पागल हो गया था और अब मैं एक ऐसी गेस्ट बन गई हूँ कि मेरा वेलकम भी नहीं कर रहा है। कहीं लेटर की वजह से है, मुझे लेटर की कोई परवाह नहीं है। अगले इसमें ताई को देखते हैं जो शेमू से बात करती हुई थी, अपने ये कहती है कि बाहर क्या था, तुम मेरे साथ काम करने पर सहमत क्यों हुए थे, तुमने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, क्या तुम मुझे बहाने के रूप में यूज कर रहे थे, या फिर कहता कि नहीं अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। ताई बाद में ये कहती है कि मुझे लगता है तुम मेरा यूज कर रहे थे और तुम ऐसा कर सकते हो, हम डेट पर जा सकते हैं, तुम जितना चाहे मेरा यूज कर सकते हो। हालांकि शेमू प्यारी है लेकिन तुम उसे ही प्यारे हो। शेमू यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे चुड़ाना चाहती हो तो चुड़ा सकती हो, लेकिन शेमू कुछ मत कहो। ताई भी पहले नार के पेड़ को देख रही होती है और बाद में यह कहती है कि मैं शेमू बताने जा रही हूँ, या फिर कहता है तुम क्या बताने वाली हो, लेकिन ताई ही कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी कि यू क्या है। अगले सीन में मोइमू को देखते हैं जो जहाज को चला रही होती है और बाद में पास में आ जाती है और यह शेमू से बात करती है। मोइम भी शेमू को ये बताती है कि मैं जहाज को चला रही थी, मुझे इसके लिए लाइसेंस चाहिए और बाद में आगे मैं ये करने वाली हूँ, मुझे भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन शेमू कहती है कि लंबा रास्ता तो मुझे तय करना है, मैंने कुकिंग क्लास के लिए अप्लाई किया है। इस बात से मोइम भी अपी हुई थी और यहाँ पर ये कहती है कि जब हम छोटे थे तब तुमने खाना बनाया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह काम तुम्हारे लिए सही है, चलो हम पार्टी करते हैं। बाद में सोमो के पास कॉल करती है लेकिन शेमू कहती रहने दो, वह नहीं आएगा। मोइम बाद में सोमो से बात करती हूँ और यहाँ पर ये कहती है कि शेमू ने कुकिंग क्लास के लिए अप्लाई किया है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम पार्टी करने वाले हैं। लेकिन यह कहता कि मैं नहीं आ सकता, मेरी प्लानिंग है। मोइम कहती है मैं एड्रेस भेज दूंगी, बाद में फोन काट देती है। शेमू भी कहती है कि वो नहीं आएगा, लेकिन मोइम कहती है कि मैं जानती हूँ। हालांकि वो पहले मना कर देता है लेकिन बाद में आ जाता है, लेकिन शेमू यह कहती है कि इस बार वो नहीं आएगा। मोइम भी बाद में पूछती है कि क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है। अगले इसमें रात को शेमू देखते हैं जो अपने घर पर जा रहा होता है और सामने से डेंगू आ रहा होता है। अब दोनों एक दूसरे को आए कहते हैं। डेंगू शेमू से कह रहा होता है तुम काम पर जा रहे हो, शेमू कह रहा होता है कि मैं ड्रिंक करने के लिए जा रहा हूँ। डेंगू बाद में शेमू को अपने घर पर ले आता है और यह रियोंडू घर से बाहर आती है और अपने पिता से मिलती है। बाद में शेमू भी और देखती है और कहती है कि ये कौन है। शेमू भी यहाँ पर रियोंडू से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। अगले समय तीनों घर के अंदर होते हैं। रियोंडू अब सोई हुई थी। डेंगू भी शेमू से कह रहा होता है कि मेरे पास भी देने के लिए यही था। शेमू कहता है कि कोई बात नहीं है, मुझे यही चाहिए था। डेंगू भी यहाँ पर ये बता रहा होता है कि जैसे मैं यहाँ पर आया था मुझे शराब पीने का जरा भी मन नहीं हुआ और यहाँ पर सब कुछ कम्फर्टेबल है, ये जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, ऐसा लग रहा कि मैं यहाँ पर हमेशा से हूँ। शेमू भी यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, ये जगह है ही ऐसी। डेंगू बाद ये पूछ रहा होता है कि तुम शराब पीने क्यों जा रही थी, क्या कोई बात है, तुम मुझे बता सकते हो। हालांकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, उनके चेहरे पढ़ता रहता हूँ और इस बारे में जाने के लिए पूरी से रहता हूँ कि क्या चल रहा है। मैं तुम्हें चेहरे को देखकर पढ़ लिया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम शराब पीने के लिए क्यों जा रहे हो। शेमू बाद में कह रहा होता है कि ये बात मेरे लिए नहीं है, ये मेरे दोस्त के बारे में है, वह किसी के लिए फील किया करता था लेकिन उसको बता नहीं इसका, क्योंकि बचपन में साथ में ही रहे थे, उस टाइम भी उसको नहीं बता इसका क्योंकि मेरे दोस्त को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, इसलिए उस टाइम नहीं बता पाया और अभी नहीं बता रहा है क्योंकि उसमें सांस नहीं है और वैसे भी लड़की की शादी होने वाली थी लेकिन नहीं उसकी। टैनू कह रहा होता है कि क्या वो जानती है कि तुम कैसा फील करते हो, लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं वह नहीं जानती। टैनू यहाँ पर कह रहा होता है कि फिर तुम्हारा दोस्त आगे क्या करने वाला है, क्या वो मौन करने वाला है या फिर उसको बताने वाला है कि मैं कैसा फील करता हूँ। यहाँ पर कह रहा होता है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टैनू भी यह कहता है कि अगर मेरा कोई दोस्त होता तो मैं उसको यही कहता कि तुम्हें अपना साथ जुटाना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम कैसा फील करते हो। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पास में मोइम होती है और यहाँ पर ये कहती है कि इसलिए आज तुम्हारे पास नहीं आई। बाद में अपर मोइम ऐसी नियत करती है, नए टाइम कैप्सूल को देखती है और कहती है कि 10 साल का वेट कौन करेगा, मैं देखने वाली हूँ क्या लिखा हुआ है। बाद में पहले शेमू लेटर को देखती है और रीड करती है और कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि यह शेमू के लिए फील करता है। प्रेजेंट में मोइम अपने आप से कहती है कि पहले की तरह भी मूर्ख है। अगले से मीशू को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आती है और यहाँ पर गिनशु होता है। मीशू इसको डांट रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम रात को घर पर कब आए थे, मैंने तुम्हें देखा नहीं और तुम मेरी देर तक क्यों सोते रहते हो, क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाना है, पास्ट में हमने यहाँ पर पैसा खो दिया था। गिनशु भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम पास्ट की बात यहाँ पर क्यों कर रही हो, और वैसे कल मैं फ्यूनरल में गया था इसलिए मैं यहाँ पर घर पर नहीं आता हूँ, तुम बार बार पैसे की बात करती रहती हो। बाद में नाराज होकर चला गया था। अगले इसमें शेमू को देखते हैं जो क्लास के लिए जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर सामने शेमू होता है। शेमू भी से यह कहती है कि मैं सिर्फ पैसे गुजर रही थी क्योंकि मेरी कुकिंग क्लास पास में ही है, लेकिन यहाँ पर कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। शेमू भी यहाँ पर यह कहती है कि आज मेरी पहली क्लास है और मुझे कुकिंग क्लास के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तू मेरे पेरेंट्स को इस बारे मत कहना। यह भी कहता है कि ठीक है मैं नहीं कहूँगा। फिर यहाँ पर यह कह रहा होता है कि मेरी एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में चला गया था। शेमू भी कहती है कि क्या था, ये अचानक से चला गया था, हालांकि यही पहले मुझे कह रहा था कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए। बाद में शेमू अपने कुकिंग क्लास में आती है।
और यहाँ पर सभी खाना बनाना सीख रहे होते हैं। वहीं हम शेंगू को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और यह भी कुकिंग क्लास को सर्च कर रहा होता है, साथ में सर्टिफिकेट को सर्च करता है। लेकिन मेंगू आता है और कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, कहते हैं पता नहीं एक मीटिंग होने वाली है। ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ। अगले दिन शेंगू रेस्टोरेंट में आता है और कुछ आदमियों से मिल रहा होता है। जी भी सुसरा पीने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे बाद में गाड़ी चलानी है, इसके बदले में आपसे भी खाना खिलाऊंगा। ये भी कहते हैं कि ठीक है। अगले सिम से बाहर आते हैं और ये शेंगू को बाई कहते हैं। शेंगू को पास में यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर गेहूं से एक मीला के साथ होता है। अगले सिम शेंगू गाड़ी लेकर जा रहा होता है और अपने पास्ट के सीन याद करता है। जय रोता है वो घर से बाहर आता है और इसकी मैं एक आदमी से जा रही थी। अगले इसमें रात को गेहूं को देखते हैं जो अपने घर पर आ रहा होता है, लेकिन सामने शेंगू बैठा हुआ था। शेंगू भी अब इसे कह रहा होता है कि मुझे आपसे बात करनी है। अगले इसमें दोनों पार्क में आते हैं। गेहूं कहता है तुम क्या बात करने वाले हो। बाद में शेंगू बताता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने आपको एक महिला के साथ देखा था। फिर इनके बीच कुछ बातें होती हैं और शेंगू भी ये कह रहा होता है कि आपने ये करने का डिसीजन लिया है। गेहूं भी कहता है कि मैं यही करूंगा, इससे मुझे रेस्ट मिलेगा। हालांकि मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि तुम्हें मुझे ऐसे देखना पड़ा। क्या तुम इस बात को मेरी पत्नी से सीक्रेट रख सकते हो। शेंगू भी कहता है कि ठीक है, फिर शेंगू के बारे में क्या, जब उसे पता चलेगा तो हंगामा कर देगी। अगले इसमें रियल एस्टेट में सभी महिलाओं को देखते हैं। जैसे किसी फोटो छिपा रही होती है, हैसु कहती है कि कौन है। ये भी तीनों कहती है कि ये तुम नहीं जानती, ये ली चान वोन है, अभी चारों बैठ गई थी और अपने अपने पति के बारे में बात करती है। और यहाँ पर मीशु भी यह कहती है कि मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है, देर रात घर से बाहर रहता है। लेकिन इंसु पर जेसु की यह कह रही होती है कि यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मीशु कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह तो फ्यूनरल के लिए बाहर गया था और कल रीयूनियन के लिए गया था। लेकिन ये अपनी दोनों कहती है कि यह तो बहाने है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, तुम्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। लेकिन यह कहती है कैसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी अपनी कहती है कि काफी टाइम से शॉप भी बंद पड़ी हुई है, तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए। अगले से मिशु रूम में आती है और कुछ ढूंढ रही होती है और ये अपने डॉक्यूमेंट को देखती है जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन के बारे में होता है। अगले से मुहिम को देखते हैं जो स्टोर से बाहर आती है और ये अपने डैनो को देखती है। डैनो भी इसको देख लेता है, लेकिन मुहिम और सीट पर बैठ रही होती है। लेकिन ये अपनी कह रहा होता है कि मेरे सामने एक सीट है। बाद में मुहिम के सामने आ जाती है और फिर इसे यहाँ पर यह कहती है कि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए। नहीं तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, योंडू घर पर के नहीं है। लेकिन डैनू कहता है कि ऐसा नहीं है, वह भी किंडरगार्टन में है। यह भी कहती है कि ठीक है, फिर तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। डैनू भी इसे पूछ रहा होता है कि तुम खाना क्यों खा रही हो। मोई में अब ये कहती है कि एक इमरजेंसी आ गई थी और हम पेशेंट को अस्पताल में ला रहे थे। हालांकि पहले डॉक्टर ने पेशेंट लेने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में मान गए थे। डैनू भी कह रहा होता है कि यह जानकर खुशी हुई। डैनो साथ में से कह रहा होता है तुम बहुत इंप्रेसिव हो, मेरी बड़ी अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन मोहिम यह कहती है कि शायद तुम मुझे एक मौका और दे दे, लेकिन क्या पता तुमने मेरे बारे में बुरा कहा हो। लेकिन अबरी कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मोहिम अब यह कहती है कि वैसे तुम भी एक अच्छे पिता हो, तुमने उसको अच्छे से पाला है, वह बहुत ही सुंदर और साथ में स्मार्ट भी है। वैसे क्या तुम फैमिली में अकेले हो। डैनो कहता है उसकी माँ भी है लेकिन वह ऐसे दूर है। मोहिम भी यह कहती है ठीक है, क्या मैं उसके साथ कभी खेल सकती हूँ, क्या मुझे परमिशन है। यह भी अपना मरता है। मोहिम भी यह पूछती है कि वैसे उसे पसंद किया है ताकि मैं उसे अपनी ओर कर सकूं। लेकिन यहाँ पर डैनो नशे में होता है और यहाँ पर इस बात ही कहता है कि उसे भूत प्रेत पसंद है, साथ में एलियंस पसंद है। मोहिम भी बाद में से यह पूछती है तुमने कितनी शराब पी है। लेकिन यहाँ पर बेहोश हो गया था। अगले से मोहिम अपने घर पर लाती है और इसे घर के सामने छोड़ देती है और बाद में चली जाती है। अगले से गेहूं को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आता है और आगे यहाँ पर मीशु होती है जिसको डांट रही होती है, साथ में चीजें फेंकती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम कहाँ पर थे, तुम देर रात घर पर क्यों आते हो। यहाँ पर शेगुरु डोंगजिन भी आ गए थे। शेगुरु भी इनसे कहती है क्या हुआ है। मीशु डॉक्यूमेंट को दिखाती हूँ और यहाँ पर ये कहती है कि तुमने हमारे सारे पैसे निकाली, आखिर तुमने क्या किया है, क्या तुम जुआ खेलते हो। लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं। मीशु बाद में कह रही होती है कि तुम्हारा फेयर चल रहा है। लेकिन गेहूं चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे क्या समझती हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था। बाद में यहाँ पर वह सीन देखते हैं जहाँ दो लड़के शॉप में आए हुए थे और वे लोग बना रहे होते हैं। लेकिन लड़के बाद में गेहूं को बोलते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे खाने में बाल आ गया है। बाद में भी देखने के लिए आता है लेकिन तभी इसका हाथ मेज पर लग गया था और खाने पर गिर गया था। इस लड़की की घड़ी पानी में बिक गई थी। गेहूं बाद में घड़ी को देख रहा होता है और ये खराब हो गई थी। लड़का भी अब यह कहता है कि मैंने भी हाल ही में नहीं खरीदी थी, इसे तो पपता भी नहीं हुआ था, तुम इसे टच भी नहीं कर सकते। अगर तुम खुद को बेच भी दोगे तो इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे, ये 30 मिलियन लोन की है। इस घड़ी के मुझे पैसे दे दो नहीं तो मैं तुम पर केस करूंगा। अगले से मिशी सीन में देखते हैं या फिर हम गेहूं को देखते हैं, साथ में मिशु को होती है, दोनों सही हुए थे। गेहूं फोन में देख रहा होता है और अपने आप को ड्राइवर के लिए पॉइंट करता है। अगले से गाड़ी चला रहा होता है और एक आदमी घर पर छोड़ता है। हम यहाँ पर वह सीन भी देखते हैं कि एक महिला के साथ होता है, लेकिन ऐसे कस्टमर के रूप में गाड़ी मिले गया था और बाद में घर पर छोड़ दिया था। फिर अगले से बैंक से पैसे ले लिए थे और बाद में लड़के पास कॉल करता है और कह रहा होता है
कि मैंने 20 मिलियन वोन दे दिए हैं और पैसे बाद में दे दूंगा। पर जाने मिसुक भी अबरी से कहती है कि तुमने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं, हमने अभी तक जो भी बचत की थी तुमने सारे पैसे दे दिए, तुम मूर्ख हो। यह भी कहता कि मैं मूर्ख हूँ, मैं इस फैमिली को कुछ भी नहीं दे पाया, मैं सिर्फ खाना बना सकता हूँ और तुम भी मुझे यह कहती रहती हो कि मैं किसी चीज़ में कैपेबल नहीं हूँ और हमेशा पैसे की बात करती रहती हूँ। लेकिन मिसुक कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन ग्योंसू को नाराज होकर चला गया था। शेखरू बाद में पीछे आ रही होती है, लेकिन अब ग्योंसू भाग रहा होता है और ये नीचे गिर गया था। बाद में शेखरू उसके पास आती है, ग्योंसू भी अभी रो रहा होता है। अगले इसमें दोनों साथ में होते हैं। शेखरू अपने पिता के छोटे पर बैंडेज लगाती है और ये कहती है कि जब मैं छोटी थी तब आप मेरे लिए किया करते थे और मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैं काफी बड़ी हो गई हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है, वे लोग बुरे थे। उनके चलो पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन ग्योंसू कहता कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, इसी मेरे ऊपर केस हो जाएगा और मेरी शॉप भी बंद हो जाएगी, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मैं तुम्हारी ड्रेस भी नहीं खरीद सका और जब तुम अमेरिका में थी तो मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं बेच सका। शेखरू कहती है तो क्या हुआ, क्या मैं अपनी बेटी नहीं बन सकती क्योंकि मैं जो लेस हूँ। लेकिन अपनी कहता कि नहीं तुम मेरी बेटी हो। शेखरू भी कहती है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरे पिता हैं। अगले इसमें शेखरू को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अब ये बुक में कुछ लिख रही होती है और यहाँ पर ये लिखती है कि मुझे लड़कों के बारे में क्या करना चाहिए जिन्होंने मेरे पिता को ब्लैकमेल किया है, वो उन पर केस भी नहीं कर सकती। लेकिन बाद में कैमरे याद आती है और पास की शॉप में आती है और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे फुटेज देखनी है। आदमी यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर पहले भी कोई आया था और फुटेज देख रहा था। शेखरू कहती है कि कौन था, आदमी ने कह दिया था कि शिवो था। इन शिवो को देखते हैं जो दोनों लड़कों से बात कर रहा होता है और इनको बताता है कि उनका बेटा हूँ, आपके 10 मिलियन वोन रह गई हैं, ये पैसे यहाँ पर हैं, लेकिन पहले मैं घड़ी को देखना चाहूँगा कि क्या वो सच में महंगी है फिर नहीं है। पहले लड़के मना कर रहे होते हैं लेकिन बाद में घड़ी को दिखा देते हैं। शिवो भी घड़ी को चेक कर रहा होता है और बाद में ये दिखाता है कि सेम टू सेम घड़ी मेरे पास भी है जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी। फिर यहाँ पर दोनों घड़ी को चेक कर रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है कि यह घड़ी तो नकली है, क्या तुम मेरे पिता को ब्लैकमेल कर रहे थे। शेखरू बाद में फुटेज को दिखा रहा होता है जहाँ दोनों लड़के शॉप के बाहर होते हैं और इन्होंने घड़ी को पहले खराब कर लिया था, साथ में अपने बाल को ले लेते हैं ताकि खाने में डाल सके। लड़का भी कहता है कि यह कोई प्रूफ नहीं है, इसे ऐसा भी नहीं होगा कि हमने खाने में बाल को डाला था। बाद में शेखरू पर ये दिखा रहा होता है कि यह घड़ी इतने टाइम पर बंद हुई थी और फुटेज में तुम देख सकते हो कि टाइम क्या है, दोनों टाइम आसपास है। बाद में वो डेनो भी आ गया था और इनको अपना कार्ड देता है। ये भी कहते हैं तुम कौन हो। डेनो ने कह दिया था कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, तुमने जो किया है वो एक अपराध है। बाद में ही अब एक सीन को भी देखते हैं जहाँ शेखरू डेनो से बात कर रहा होता है और बता दिया था इन्होंने मेरे पिता को बेवकूफ बना दिया था और कह दिया था कि हमारे यूट्यूब पर इतने फॉलोअर्स हैं लेकिन यहाँ तो केवल 30 सब्सक्राइबर्स हैं। पर जेंड में बाद में लड़कों को ये पता चलता है कि यहाँ पर ये सब रिपोर्ट हो रहा है। फिर दोनों यहाँ पर भाग गए थे, अभी दोनों भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। डेनो जी लड़के का पीछा कर रहा होता है, वो एक पोल शूट करा गया था और नीचे गिर गया था। वही हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस कर देता है और बाद में हैप्पी हो रहा होता है क्योंकि इसे लगता है कि मैं बच गया हूँ। लेकिन तभी पास में शेखरू होती है जो इसको मार रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुमने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन लड़का भी इसको धक्का देता है। बाद में शिंगे पर आ गया था, लड़के को लात मारता है। बाद में शेखरू पास आता है और कह रहा होता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। बाद में उठाई को लेता है, खून को पोंछ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये कहती है कि ऐसा मत करो, ये महंगी होगी। लेकिन शिवम यहाँ पर कह रहा होता है कि यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में वो डोंगजिन भी आता है, वो लड़के को मारता है। वही हम ग्योंसू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। इसके पास भी कॉल आ गई थी और बता दिया था कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। बाद में जा भी रहा होता है। मिसुक भी यहाँ पर ये कहती है कि पहले तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मैंने सिर्फ इस फैमिली के लिए खाना बनाया है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम इस फैमिली को चलाते हो, तुमने डोंगजिन को पटाया साथ में शेखरू को भी, आपकी बार ऐसी बातें मत कहना। यह भी कहता है कि ठीक है। बाद में दोनों गले मिलते हैं और फिर पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। अगले इसमें शेखरू को देखते हैं साथ में शिवो होता है। दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। शेखरू भी शिवो से यह कहती है कि मैं तुम्हें टाई को दो दूंगी। लेकिन यह अभी कहता है कि फेंक दो। लेकिन शेखरू कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। शिवो ने भी कह दिया था कि ठीक है तुम जो चाहो वही करो। शेखरू बाद में से यह कहती है कि आज के लिए थैंक यू, हालांकि मैं काम अपने पिता के लिए करने वाली थी, नहीं तुमने पहले कर दिया, तुम मुझे बेहतर हो। शेखरू कह रहा होता है कि मैं तुमसे हमेशा से बेहतर था और वैसे तुम्हारे पिताजी अजनबी नहीं है। शेखरू कहती फिर मेरे बारे में क्या, क्या मैं अजनबी हूँ, आजकल तुम अजीब भी कर रहे हो, मुझसे बात नहीं करते और मुझे बच रहे हो, ये पुराने दिनों की तरह नहीं है। शेखरू भी कह रहा होता है कि वो बच्चे नहीं है, हम एडल्ट हो चुके हैं, तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो, हम अपनी लाइफ पर, एक दूसरे के दरवाजों को नॉक करना बंद करो और हमें एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाद में चला गया था। अगले इसमें रात को शेखरू को देखते हैं जो सोई हुई थी। पहले यहाँ पर पास्ट के सीन को याद करती है जो कि 10 साल पहले का होता है, जब शेखरू लेटर को लिख रहा होता है और ये शेखरू को देखती है। फिर यहाँ पर वह सीन याद करती है कि शेखरू ने लेटर फाड़ दिया था। बाद में विंडो के पास आती है
और शिवो को बोलने वाली थी, लेकिन तभी अपर वह बात याद करती है कि शिवो ने कह दिया था कि हमें प्रवेश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाद में परेशान नहीं करती और सो जाती है। वही शिवो को देखते हैं जो विंडो के पास आ गया था और ये भी अपने आप से कह रहा होता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को जाने देता हूँ तो क्या मैं कम्फर्ट फील करूंगा। पास में भी आप ये भी देखते हैं कि इसने लेटर को फिर से जोड़ लिया है। अगले से शिवो को देखते हैं जो अपनी कुकिंग क्लास में आई हुई थी और ये अपने डिस्को बनाती है। बाद में शाम को शिवो देखते हैं जो अपने घर पर जा रहा होता है और सामने वो शिवक्रू होती है। शिवो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिवक्रू कह रही होती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। बाद में डिस्को दिखाती हूँ और ये कहती है कि ये मेरी पहली डिश है जो मैंने कुकिंग क्लास में बनाई है और ये तुम्हारी फेवरेट भी है। और फिर हम पास्ट के सीन की बात करते हैं कि जब शिवो कोरिया में था तभी कुछ भी खाना नहीं खा रहा था। मीशु भी ऐशु के पास कॉल करती हूँ और ये कहती है कि कुछ भी खाना नहीं खा रहा है। शिवक्रू पास में आ गई थी और डिस्को लेती है और शिवो को देती है, लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन शिवक्रू कहती है कि ये रेनबो की ट्रैक है, तुम देख सकते हो। बाद में खा लेता है। अर्जेंट में शिवक्रू सेम बातें कहती है कि ये तुम्हारी फेवरेट है, लेकिन शिवो यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम जो पास्ट की बातें क्यों दिला रही हो, वो सब पास्ट में उनको जाने दो। तुम मुझे बार बार पास्ट को दिलवाती हो और मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरे आसपास मंडराना बंद करो, क्या मैं कोई मूर्ख हूँ? क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? बस मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। लेकिन शिवक्रू भी कहती है मैं ऐसा करने जा रही हूँ और मैं ऐसा ही करूंगी, हम बचपन से ही क्लोज है, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। लेकिन शिवो चिल्लाता है और कह रहा था कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी वजह से अपना दिमाग खो रहा हूँ। बाद में शिवो चला गया था। अब शिवक्रू पास्ट की शिकायत करती है कि शिवो ने पहली बार केले का दूध पिया था लेकिन मुझे पसंद नहीं था। इसने तैरना भी सीख लिया था लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा था और मैं पास में आकर रो रही थी। फिर एक सीन में शिवगुरु देखते हैं जब वो पड़ रही होती है, इसके पास शिवो आ गया था जो इसी गर्दन को पकड़ता है। बाद में शिवगुरु इसको देखती है और कह रही होती है कि क्या तुम शिवो हो, तुम तो मुझसे लंबे हो गए हो, तुमने फ्रांस में क्या कहा था। शिवगुरु भी उनको बता रही होती है कि पहली बार वह मुझे लंबा हो गया था। अगले सीन में हम अपने सीन भी देखते हैं कि अगर हम शिवगुरु को देखते हैं साथ में मूवी में होती है, साथ में शिवो होता है, ये भी गेम खेल रहे होते हैं और एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं। मोहिम भी शिवो से यह कहती है तुम्हारा किस पर कर्ज है। मोहिम ने पहले लेटर रीड कर लिया था इसलिए इसने सवाल पूछा है। शिवक्रू भी अपनी से कहती है कि कौन है, मुझे लगता है सच में कोई है, क्या वह कोई आर्किटेक्चर है, क्या वो हमारी क्लास से थी। मोहिम भी इन दोनों को देख रही थी। अर्जेंट में शिवक्रू अपने आप से कहती है कि एक चीज जो मैं शिवो के बारे नहीं जानती वो उसका पहला प्यार है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। बाद में ऐसे भागती है। मोहिम शिवो देखते हैं जो अपने घर पर जा रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं करता और बाद में वापिस आ रहा होता है। लेकिन तभी शिवक्रू भी आ गई थी, ये इसको नोटिस नहीं करता और जा रहा होता है। ये भी इसको बोलती है लेकिन ये नहीं रुकता। शिवक्रू बाद में इसको अपनी हील मारती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुमने पहले जो कहा उसका क्या मतलब था। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में जो कि संडे को आने वाला है, तब तक के लिए बाय।